खमागणी जय जय राजस्थान। मैं विष्णु लांबा राजस्थान के दौसा जिले के बसवा क्षेत्र में हैं। महाराणा प्रताप का आज जयंती है। महाराणा प्रताप हम सब के आदर्श हैं, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आदर्श हैं, भारत को चाहने वालों के आदर्श हैं, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान की चिंता करने वालों के आदर्श हैं। स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में महाराणा प्रताप पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। आज उनका जन्म दिवस है। ऐसे महापुरुष की जयंती पर कल सहयोग की बात थी कि मुझे महाराणा सांगा के जहां पर उनको अंतिम संस्कार किया गया वहां जाने का अवसर मिला, और आज वहां से मैं सीधा पहुंचा हूं जयपुर के पास में दौसा, दौसा से सीधा बसवा। ये महाराणा सांगा का चबूतरा है। महाराणा सांगा राणा प्रताप के दादा थे। महाराणा सांगा हमारे आदर्श हैं और महाराणा सांगा का महान इतिहास आप सब लोग जानते होंगे। मेरा या इसके पीछे सिर्फ इतना सा निवेदन है, ये जो लिखा हुआ है राणा सांगा का चबूतरा, सिर्फ ये लिखा हुआ था, ये दीवार भी नहीं थी और ये चबूतरा बस ऐसा का ऐसा जीर्ण शीर्ण, और इसके ऊपर घास उगी हुई थी, और घास की स्थिति अगर आप देखेंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं वापस वैसी स्थिति अंदर दिखाई दे रही है। राणा सांगा का ये चबूतरा वही स्थल है जहां पर राणा सांगा ने अंतिम प्राण त्यागे। राणा सांगा ने आखिरी सांस यहीं पर ली, और मेरे पीछे आप देखिए रेल आ गई है, ये रेल आ गई है। ये महज 4 से 5 फुट की दूरी पर रेल गुजरती है, महज 4 से 5 फुट की दूरी पर रेल गुजरती है। बीच में इस प्रकार के विषय भी आप सब लोगों के जानकारी में आए होंगे कि रेलवे ट्रैक को बढ़ाया जा रहा है, चबूतरा हटाया जाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित ऐसा रहा होगा क्योंकि बहुत ही नकारा, भ्रष्ट और नालायक अधिकारी भी अक्सर हमें देखने को मिलते हैं हर जगह। रेलवे में भी ऐसे भरे पड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा न होता तो रेलवे लाइन के किनारों पर जो पेड़ लगाए जा सकते थे वो लगाए जाने चाहिए, जिसकी हर साल ये लोग एक सूचना जारी करते हैं। बहरहाल राणा सांगा का चबूतरा है, स्वयं को आकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर। राणा सांगा का चबूतरा, ये इतना सा जो स्थल आप देख रहे हैं, ये स्थल, ये जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ राणा सांगा का चबूतरा, ये शब्द पहले आपको गूगल पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे तो दिखाओ मिलेगा। एक पुराना चबूतरा जहाँ पर एक छोटा चबूतरा बना हुआ है, उसमें घास उगी हुई है और चारों तरफ कोई संभालने वाला देखने वाला नहीं है। ये दीवार भी बाद में बनी है। राणा सांगा के नाम पर एक प्रयास हुआ लोगों द्वारा, और उसके बाद में यहाँ पर आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा आप सब लोगों को। ये जो पूरा दीवार की गई है, वो पूरा जो डंडा किया गया है, आप आइए, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पौधारोपण भी किया गया है। यहाँ पर कुछ सांकेतिक 4-5 पौधे 10-5 पौधे भी लगे हुए हैं। ये स्थान राणा सांगा के नाम पर उनका एक म्यूजियम स्मारक इस प्रकार का बनाने का एक प्रस्ताव कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये बाहर की तरफ हम चलते हैं। मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन था, राणा सांगा का चबूतरा का फोटो हम लोग 8-10 साल पहले तक उस कंडीशन में देखते रहे। कुछ सालों से अभी ये जस्ट कुछ समय से ये प्रयास हुए, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, बहुत ही हम सबके लिए गौरव की बात है। बस बात इतनी सी है कि 400 साल पुरानी बात हो गई। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, किसी पर कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। 400 सालों में राणा सांगा के वंशजों में भी पहली बार ऐसा सुनने को मिला कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, अभी कुछ दिनों पहले 14 अप्रैल को उनका जब कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया युवा साथियों ने, लोग यहाँ के स्थानीय बासिंदों ने, बहुत अच्छी बात है। प्रतिवर्ष राणा सांगा की स्मृति में उनके जन्म और बलिदान पर दिवस पर उनसे जुड़े स्थलों पर कार्यक्रम होने ही चाहिए। स्थानीय युवाओं के माध्यम से राष्ट्र जागरण का ये कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। लेकिन 400 सालों में किसी वंशज का पहली बार यहाँ आते हुए देखना अजीब सा लगता है। किसी भी यहाँ के नेता, यहाँ राजेश पायलट नेतागिरी करते रहे हैं लंबे समय तक, उनके बेटे सचिन पायलट को आप लगातार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी चलता रहती है नेतागिरी। किरोड़ीलाल मीणा को भी आप यहाँ से देख रहे हैं, अनेक बंसीवाल और बेनीवाल, पता नहीं क्या क्या कितने वाल, कई सारे देख रहे हैं आप। राणा सांगा पर किसी की नजर नहीं है। भारत का महान गौरवशाली अतीत अगर इस तरह से दर दर की ठोकरें खाए, आंसू बहाए, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। मैं बधाई देता हूं उन लोगों को जिन्होंने प्रयास किया
जो लोग जागरूकता का उन्होंने परिचय दिया, पूज्य अटल जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था महापुरुषों की अधिक दिनों तक उपेक्षा नहीं हो सकती, और संभवतया उसी पंक्ति का परिणाम मैं आज यहाँ देख रहा हूँ। बहुत देरी से ही सही, राणा सांगा के लिए हम सब जागे हैं, और ये युवा साथियों ने जो प्रयास यहाँ शुरू किया है उन सबको बधाई, साधुवाद, और आशा करता हूँ प्रतिवर्ष यहाँ पर राणा सांगा के नाम पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्र जागरण का एक छोटा सा प्रयास हम सब की ओर से किया जाएगा। वहाँ गेट पर एक दृश्य है, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक युवा यहाँ पर है, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। फिलहाल आप आइए। अभी कोई नहीं है, फर्स्ट आप ही आए हो, कल के टाइम के है, कल लोग बताए। विक्रम सिंह जी बता रहे हैं कि आज मैं पहला व्यक्ति हूँ जो राणा सांगा के यहाँ पर आया हूँ। राजस्थान के ही नहीं, देश की दुनिया के सब लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर हम आसपास जा सकते हैं क्या। कल तो काफी लोग आए थे, कल 7 लोग आए थे, आज मैं पहला हूँ। तो एक जगह एक लाइन छोड़ दूं, आज की तारीख है 22/5/23, पहला व्यक्ति हूँ मैं, ठीक है। विष्णु लांबा, ये क्या है, कहाँ से आए? श्री कल्पतरु संस्थान एलिगू पर्याप्त जयपुर प्रदेश जयपुर। ये क्या है? आगमन समय, आगमन का समय 1 घंटा पहले का लिख लो। कितना है? 6:17। रुकिए, अभी बज रहा है 6:15, तो मैं 5:30 आ गया था क्या? 5:30 PM राजस्थान का समय 6:15 PM। महाराणा सांगा के चबूतरे पर हैं और बसुआ राजस्थान के दौसा जिले का क्षेत्र है, यहाँ पर महाराणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। अभी महाराणा सांगा का चबूतरा हमने आपको दिखाया है और चबूतरे से हम लोग चल करके मेन गेट की तरफ आ रहे हैं। तो छोटा सा एक इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत गौरव महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह प्रथम को महाराणा सांगा के रूप में जाना जाता है इतिहास में, जो हम सब के लिए आदर्श है। राजस्थान में उनको सब लोग बड़ा पूजते हैं, पूरे देश में उनका मान सम्मान है। 1482 से 1528 में उनका इतिहास रहा, कार्यकाल रहा। मेवाड़ के 50वें वंशधर माता महाप्रयाण स्थल है, अंतिम श्वास उन्होंने यहीं पर ली महाराणा सांगा ने। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग कल भीलवाड़ा के मांडलगढ़ गए थे, उससे पहले मैं उदयपुर का आपको वीडियो मैंने साझा किया होगा सोशल मीडिया पे, अगर वो आपने देखा हो। श्री एकलिंग जी ट्रस्ट उदयपुर का प्रयास संभवतः रहा होगा। लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ जो इनके वंशज हैं, जागने में थोड़ा देरी कर दी, नहीं कुछ टाइम पहले हुआ था। आइए विक्रम सिंह जी हमारे साथ थोड़ी चर्चा करेंगे जी। कुछ समय पहले इसका प्रयास हुआ था, हाँ, लेकिन क्या है कि कुछ को उदयपुर महाराज की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया और कुछ यहाँ के लोगों का इतना प्रयास नहीं। विक्रम सिंह जी मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर कि आप सिर्फ एक मात्र राणा सांगा की चबूतरा है और एक आप है, आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती भी है। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पावन धरा पर आने का मौका मिला। मैं भीलवाड़ा से चल करके मांडलगढ़ से सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ आज। कल हमें जानकारी मिली कि वहाँ पर उनको अंतिम क्रिया उनकी वहीं हुई थी, दाह संस्कार, तो वो स्थल हम देखने गए थे। खैर उस बारे में बाद में बात करेंगे। विषय यह है कि यहाँ पर आने में 400 साल लग गए। जी बिल्कुल, 400 साल पहले राणा सांगा ने यहाँ प्राण त्यागे। जी बिल्कुल, 400 साल बाद ऐसा अचानक क्या हुआ कि यहाँ पर आना पड़ा? जागने में टाइम अच्छा किया उन्होंने आए, बिल्कुल हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि उनके उन्होंने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है, अपने पूर्वजों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उनको नमन करने के लिए हर किसी को आना चाहिए, फिर वो तो गौरवशाली परिवार है, उनको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। कमागणी।